हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी होममेड रेमेडी से बना हुआ ये सीरम जो ये मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे आप नेचुरली ग्लो मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि सारा ही इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ करे हैं एंड आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इससे। एंड आपकी स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम है सबका ये सॉल्यूशन है। एंड आपकी स्किन पर एक्ने है, रिंकल्स है, डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, उसको ये सबको कैंसिल आउट करेगा। ये मैं उसी से ही अपनी स्किन पर ग्लो मेंटेन करती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। आप इसे नाइट में अप्लाई करते हैं तो नाइट में जब अप्लाई करते हैं, जब आप मॉर्निंग में देखेंगे आपकी स्किन पर अलग ग्लो आएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालूंगी एंड कैसे ही वाला अपना सीरम अप्लाई करने के लिए बनाऊंगी अपने फेस पर, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर आपने तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। राइट साइड एक बेल आइकन है, बेल आइकन को कर दीजिए हिट ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे हम एक कांच का बाउल। आपको कांच का बाउल लेना है, कोई स्टील का बाउल नहीं लेना है। आपको कांच का बाउल हो या आपको प्लास्टिक का बाउल हो, जब आप ऐसे DIY बनाएं, कोई ऐसी रेमेडी बनाएं तो आप कांच का बाउल ही लें। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर गुलाब जल। गुलाब जल क्या वर्क करता है? गुलाब जल आपकी स्किन पर एक नरे आपकी स्किन पर एक अलग टोन देता है, क्लींजर का काम करता है आपकी स्किन पर एंड आपकी स्किन को ग्लो मेंटेन करता है, आपकी स्किन को ठंडक पहुँचाता है। गुलाब जल आप इसकी 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। गुलाब जल से ही इसकी क्वांटिटी बनेगी सीरम की। आप जब गुलाब जल लगाएं तो गुलाब जल आपको लेना है 2 टेबल स्पून। मैं 1 वीक के लिए बना रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना करते हैं तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 वीक का बनाएं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले तब आप 2nd वीक के लिए बनाएं। ये लूँगी अब मैं इसके अंदर लेमन। लेमन का क्या काम करता है? लेमन आपकी स्किन पर एक ब्लीच का वर्क करता है, ये दाग धब्बों को लाइट करता है, ये हमारी स्किन को इवन बनाता है। लेमन में होता है साइट्रिक एसिड। अगर आपकी स्किन पर प्रॉब्लम होती है लेमन अप्लाई करने से, आपकी स्किन पर रेशेज हो जाते हैं, जलन होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल लेमन का यूज़ ना करें। आप विटामिन सी का मार्केट में मिलने वाला कैप्सूल डाल सकते हैं इस सीरम में बनाने के लिए, आप 3 डाल सकती हैं। एंड अगर आपकी स्किन पर ये ब्लीच का वर्क करता है, एक्ने एंड पिंपल है, तो उनके लिए लगा सकते हैं। इसे लेकर आप अपनी स्किन पर रब कर सकती हैं। एक ब्लीच का काम करता है लेमन, काफ़ी अच्छा है। आपकी स्किन पर दाग धब्बों को रिड्यूस करता है, माइनस करता है, कैंसल आउट करता है। एंड मैं लूंगी अब इसके अंदर ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या वर्क करती है? ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारी स्किन का ये pH लेवल मेंटेन करती है। आपको इसका यूज़ करेंगी तो आपकी स्किन पर जितनी भी ड्राइनेस है उसको कैंसिल आउट करेगी, पैचिनेस है उसको कैंसिल आउट करेगी, आपकी स्किन पर एक नेचुरली ग्लो देगी। मैं इसकी 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसे थिक बनाना है। जब भी आपका एक अच्छा सीरम अप्लाई होगा आपके फेस पर, ये आपकी स्किन को नेचुरली शाइन देता है, आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो मेंटेन करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब मैं डालूंगी विटामिन ई का कैप्सूल। जब मैंने पहले सीरम बनाया था तो मैंने जब इसके अंदर 3 डाले थे, आज मैं इसके अंदर 2 डालूंगी क्योंकि मैं इसे 1 वीक के लिए बना रही हूँ। आप इसे 1 वीक के लिए बना सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, 2 कैप्सूल लेकर आप इसे इसका बस ऑयल डालना है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसका, क्योंकि इसका रैप किसी काम का नहीं है। बस आपको इसका ऑयल निकालना है, ऑयल निकाल के इसके अंदर डालना है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है एंड आपके रिंकल, पिंपल, ब्लमिशिंग, एक्ने इसको माइनस करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, टाइट करता है, आपकी स्किन पर एक अच्छा ग्लो मेंटेन करता है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं अपने किसी कंटेनर में। एंड आपको देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का ये ऑयल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे डायरेक्ट लेकर इसका ऑयल अपने फेस पर इसकी मसाज कर सकते हैं, आपकी स्किन पर अलग ही ग्लो मेंटेन करेगा। आपने एक्ने है, डार्क सर्कल है, पिंपल है, ब्लमिशिंग, सबको माइनस करता है ये। आपको क्या करना है, मैं आपको अब इसका यूज़ करने का तरीका बताऊँगी कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद, ड्राई होने के बाद, ये वाला सीरम लेकर अपने हैंड पर एंड इसे रब करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी स्किन एकदम ब्राइट हो रही है, इससे आपकी स्किन पर अलग ही ग्लो आता है, आपकी स्किन इससे ड्राई नहीं होती, आपकी स्किन पर एक अलग ही ग्लो मेंटेन होता है क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं एंड सारे ही इसके अंदर ग्लिसरीन, लेमन, विटामिन ई का कैप्सूल एंड गुलाब जल सारे ही नेचुरल हैं, आपकी स्किन पर कोई डैमेज नहीं करेंगे। जब इसे आप अप्लाई करें तो आप हल्के हल्के हैंड से इसकी मसाज करें। मैंने यहाँ स्पीड बढ़ा दी है, इस वजह से आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना। आप अपनी इसे लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लेमन है आपकी
लिप्स पर एक ब्लीच का काम करेगा, जितने भी आपके लिप्स पर ड्राइनेस है उसको सबको कैंसिल आउट करेगा एंड आपकी लिप्स को हाइड्रेट करेगी। ग्लिसरीन आप अपने पूरे फेस पर लाइट हैंड से मसाज कर सकते हैं, अपनी स्किन पर लाइट हैंड से। अब मैं इसे अप्लाई करके नाइट में एंड आप सुबह मॉर्निंग में आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगेगा। एंड आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका नया साल ढेर सारी खुशियों भरा रहे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, जिन जिन की जो विश है आप सबकी सारी विश पूरी हो जाए। मेरी आपसे एक विश है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए, न्यू वीडियो बनाने के लिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, राइट साइड एक बेल आइकन है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं अपने फेस पर, पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी एंड इसको जब आप सुबह मॉर्निंग में रिजल्ट देखेंगे तो आपको एक अलग ही ग्लो आएगा। मैं इसे अप्लाई करके अपने फेस पर रात को सो जाऊंगी। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।